तो यार काफी सारी अपडेट्स है एनिमे के बारे में, तो यार पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम जानती हो तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेंड्रागो एक्स ये तो यार से आबा हो गया। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट है साइबरपंक एज रनर्स की एनिमे शेड्यूल्ड है September 13th को और ये आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन हो तो काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है किंगन अशुरा Season 2 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है 2023 में, यानी कि एक और साल का इंतजार करना होगा, बट ये एनीमे एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़िया है। हमारी अगली अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के बारे में, जिसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हम सब काफी ज्यादा क्यूरियस थे क्योंकि ये पहली एनीमे मूवी है जो लिटरली इंडिया के अंदर हिंदी डब के साथ आई है। हाँ, तुम शिनचैन और डोरेमोन को गिन सकते हो पर उनको लिटरली तुम एनीमे के रूप में कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि वो दोनों ऐसे एनीमे है जो इंडिया में कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं, जबकि ड्रैगन बॉल जी काफी वक्त पहले बैन हो गया था ड्यू टू सेंसरशिप एक्सेट्रा, तो दैट्स अ बिग डील। तो यार वो पहली प्रॉपर एनीमे है जो हिंदी डब के साथ आई थी इंडिया में और काफी लोग इसके बारे में बात तो कर रहे थे। इनफैक्ट जब मैंने भी वीडियो बनाई थी काफी लोग कह रहे थे कि हम हिंदी में तो देख लेंगे बट इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ और ही बताती है। तो इस मूवी ने टोटल अब तक 2.5 करोड़ तक का ही धंधा किया है और ऐसा कहा जा रहा है इसकी लाइफ टाइम जो कलेक्शन होने वाली है, यानी कि और एक दो हफ्ते तक शायद से ये मूवी सिर्फ 3.5 करोड़ तक ही कमा पाएगी। यानी कि गाइज जब जुजुत्सु काइसन की मूवी आई थी उसने भी लाइफ टाइम में 6.5 करोड़ कमाए थे और उसको देखने के बाद काफी लोग कह रहे थे कि भाई जुजुत्सु काइसन अगर इतना कमा रही है तो सोचो ड्रैगन बॉल की मूवी कितना कमाएगी, ऊपर से अगर ये हिंदी में आएगी तो भाई तो ये तो फाड़ देगी, लिटरली 15 करोड़ 20 करोड़ तक के आंकड़े बता रहे थे लोग। बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि 15 का हाफ भी नहीं बना पाई है भाई, मतलब क्या ही बताओ। यानी कि काफ़ी लोग हिंदी डब के बारे में क्या क्या बोल रहे थे कि भाई मैं तो सपोर्ट करूँगा मैं तो जाऊँगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हिंदी को छोड़ो यार, लोगों ने तो इसे इंग्लिश या फिर जापनीज में भी इतना देखा नहीं है। यानी कि भाई 2.5 करोड़ मतलब ऐसा लगता है ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी काइंड ऑफ डेड हो रही है क्योंकि जुजुत्सु काइसन अगर सिर्फ जापनीज में 6.5 करोड़ कमा सकती है तो भाई इससे तो ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगाए गए थे। बट इट्स डिसअपॉइंटिंग विच लीड्स मी टू माई अदर पॉइंट, क्योंकि भाई अगर इस हिंदी डब को इतना कम रिस्पॉन्स आया है तो आई डोंट थिंक आगे PVR या सोनी पिक्चर्स जो है वो और भी एनीमे मूवीज को हिंदी में डब करके थिएटर्स में दिखाएगा क्योंकि एज यू ऑल नो पहले तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा होता है, उसके बाद डबिंग का कॉस्ट अलग होता है क्योंकि एक एक आर्टिस्ट को भाई पैसे देने पड़ते हैं, तो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव और ऊपर से तुम देख रहे हो कि इतना कम कलेक्शन है तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, यानी कि दिस इज सैड। तो देखते क्या होता है फ्यूचर में, लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और वन पीस मूवी का मुझे नहीं पता वो क्या करने वाली है यार। तो यार हमारी अगली अपडेट है नारुतो के बारे में और भाई आज की अपडेट्स में सैड पे सैड न्यूज़ है क्योंकि सोनी ये जब से नारुतो दिखा रहा है तब से काफ़ी पेरेंट्स ने कंप्लेन की है सोनी ये को कि ये भाई तुम क्या दिखा रहे हो, क्योंकि भाई हम तो कह रहे हैं कि नारुतो काफ़ी अच्छा है, सेंसरशिप सोनी ये नहीं दिखा रहा, काफ़ी अमेजिंग तरीके से दिखा रहा है, बट पेरेंट्स जो है वो अलग ही गुण गा रहे हैं। अब सोनी ये एक्चुअली एक किड्स चैनल है तो जहाँ पर इससे पहले तो सब बच्चों वाले कार्टून आते थे बट अब नारुतो जब से आया है तब से लिटरली वो वहाँ पर हारेम जुत्सु कर रहा है, बाद में लिटरली खून खराबा हमें देखने को मिल रहा है और सोनी ये तो उसको लिटरली मैं कहूँ तो मतलब सेंसर कर रही नहीं है। हाँ खून को उन्होंने ग्रीन कर दिया बट फिर भी खून दिखा रही है, हारेम जुत्सु को थोड़ा बहुत दिखा रही है, तो काफ़ी पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है कि भाई तुम हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो और भाई आई डोंट नो कि अब क्या होने वाला है। यानी कि भाई फैंस के पर्स्पेक्टिव से सोनी ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है पर पता नहीं पेरेंट्स को कौन समझाएगा यार, मतलब यहाँ पर पेरेंट्स अनुपमा देखने अनुपमा के बारे में तुम कुछ कहो तो तुमको घर से बाहर निकाल लेंगे मतलब क्या ही बताओ यार, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। तो देखते हैं आने वाले नए एपिसोड्स में सोनी ये किस तरह की सेंसरशिप लाएगा, क्या वो पेरेंट्स की इन कंप्लेन को सुनेगा भी या फिर फैंस की सुनेगा, आई रियली डोंट नो।
तो यार हमारी अगली अपडेट नारुतो के बारे में फिर एक बार है, क्योंकि नारुतो का सीजन 1 खत्म हो चुका है जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स थे। अब सोनी ये जो है वो नारुतो को नेटफ्लिक्स के रूप में दिखा रही है, तो अगर आपने नारुतो नेटफ्लिक्स पर देखा होगा तो वहां पर वो सीजन वाइज डिवाइडेड है, सीजन 1 सीजन 2 ऐसे करके। तो सीजन 1 में टोटल 26 एपिसोड्स थे और सोनी ये ने भी 26 एपिसोड्स पर सीजन फिनाले करके दिखाया था, और उसके बाद अब वो फिर एक बार नारुतो के पुराने एपिसोड्स को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि रात के 8 बजे पुराने एपिसोड्स ही फिर एक बार आ रहे हैं। इसके अलावा जो दोपहर और सुबह का टेलीकास्ट था नारुतो का, उसे भी कैंसिल किया गया है। तो भाई काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नए एपिसोड्स कब आने वाले हैं, तो भाई हमें रुकना होगा। एक्चुअली शायद से ये सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर में भी आ सकता है, आई हैव नो आइडिया, मुझे एक्चुअली नहीं पता। तो लेट्स वेट, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि नारुतो काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। अब पता नहीं इसके बाद पेरेंट्स ने काफ़ी कंप्लेन किए हैं, पता नहीं फिर सोनी ये किस डायरेक्शन में जाएगा इसको लेकर के, क्या नए एपिसोड्स में, यानी कि चुनिन एग्जाम्स वाली आर्क यार, यानी कि अब वो जंगल में जो फाइट सब होने वाली उसमें तो लिटरली काफी सारे खून खराबे हैं। तो भाई सोनी ये उनको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, आई रियली डोंट नो। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस बारे में ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।